मुरादाबाद राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद द्वारा प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को दिया गया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद की टीम ने दीवान का बाजार मुरादाबाद स्थित सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता राशन डीलर रमेश खन्ना की 2 दुकान और 2 चक निरीक्षक किया है, तो उक्त राशन डीलर द्वारा राशन वितरण प्रणाली में की जा रही अनियमितता और घोटाले का पात्र लाभार्थियों को जानबूझकर पहुंचाए जा रहे हैं, नुकसान किए जा रहे हैं, शोषण के साथ या सरकारी धन के गबन करने की स्थिति साफ हुई है। यह सिलसिला प्रशासन की नजरों के सामने पिछले कई सालों से चल रहा है। पीड़ितों का कहना है कि शासन और प्रशासन से शिकायत किए जाने के बावजूद लगातार शोषण का शिकार है कि उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने से जनता की निगाहों में शासन और प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है। जनता का विश्वास सरकार से हो रहा है। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद प्रशासन से मांग करता है कि राशन डीलर को लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए एवं राशन डीलर रमेश खन्ना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। वहीं बात करते हुए केवल चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद को क्षेत्रीय लोगों द्वारा लगातार राशन डीलर रमेश खन्ना की लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए जब राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद की टीम मौके पर पहुंची तो पता लगा कि जो राशन डीलर है वह बगैर मशीन के राज वितरित कर रहा है, जिसका वीडियो राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बनाया गया। और जब इस बारे में उससे पूछा गया तो राशन डीलर ने साहब बसता हुआ नजर आया। इसी को लेकर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद ने एक शिकायती पत्र ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा है। दिखाइए पर्ची कहाँ है आपकी? देते किसी को नहीं है ना। आप आज राशन बांट रहे हैं, किस हिसाब से बांट रहे हैं? पर्ची के हिसाब से बांट रहे हैं? कैसे बांट रहे हैं? कहाँ है पर्ची? दिखाइए पर्ची कहाँ है? ओ पारस, पर्ची देता हूँ आपको, सब चीज देता हूँ। नहीं तो आप बांट कैसे रहे हैं? आप आओ, मैं सब चीज देता हूँ। नहीं कैसे बांट रहे हैं पारस? गोविंद कन्हैया जी, आपने इतने दिनों को राशन बांटा बिना पर्ची के? नहीं नहीं, पर्ची से बांटा। पर्ची कहाँ है? दिखाइए ना, दिखाइए। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं पर्ची ला रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? पार से पर्ची लिया। हाँ, पार से पर्ची लिया। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कहाँ से मंगाना है पर्ची? अरे ये रखी मेरे घर के ऊपर, घर में रखी पर्ची। घर में क्या कर रही है? तो जब दुकान आपकी यहाँ है तो घर में आपकी पर्ची क्या कर रही है? जब आपकी दुकान नीचे है, जब आपकी दुकान नीचे है तो घर में पर्ची आपकी क्या कर रही है? कहाँ है पर्ची? मुझे दिखाइए कहाँ है पर्ची। दिखाइए पर्ची कहाँ पर्ची ले रही है? कहाँ है पर्ची? दिखाइए मुझे कहाँ है पर्ची। अभी आप सब कुछ देंगे, पर्ची भी देंगे आपको, राशन भी फुल देंगे। हाँ, कहाँ थी? घर से मशीन मंगाई आपने? चलिए आप, हाँ जी, आप दिखाइए आपके टावर आते हैं मशीन के या नहीं आते हैं गन्ना जी? दबा दिया वो। हाँ ठीक, दबा दिया आपने। लूटा लेने के लिए घर पर बुलाते हैं। ठीक ठीक, किसी एक को पर्ची देते नहीं है, बस मशीन के नाम पे ये 2 पर्ची निकली भी हैं। अभी 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 हाँ ठीक ठीक, करीब से लो इसकी डेट। ये पर्ची उठा लो बक्से के ऊपर। 5/10/2019 डेट। भाई साहब क्या नाम है आपका? केएल चौधरी, महानगर अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद। किन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है आज? ये राशन डीलर के खिलाफ दिया जा रहा है ज्ञापन, क्योंकि उसमें बहुत कमियां पाई गई। जब हमने औचक निरीक्षण की हमारी टीम ने करा, 6 तारीख को राशन वितरण कर रहा था, मगर उसके पास कोई मशीन नहीं थी और ना ही पर्चियां वगैरह उसकी निकली हुई थी। तो हमने यहाँ औचक निरीक्षण किया तो उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई, और ये भी पाया गया कि वो महिलाओं से गाली गलौज करता है और बदतमीजी करता है। साथ ही 2 दिन पहले घर में बुलाकर वो महिलाओं और बच्चियों से अंगूठे लगवाता है और उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है, जिसको लेकर के हमें लगातार शिकायतें मिल रही थी। परिषद ने 6 तारीख को औचक निरीक्षण किया और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। यूनिट से कम देता है, पता चला कि किसी के 25 किलो है तो उसको 21 किलो देता है, किसी का 35 किलो है तो उसको 30 किलो देता है। ये हमने मौके पर उसको देखा और वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग करी। आज हम यहाँ DM साहब से मांग करते हैं कि उसका तत्काल लाइसेंस जो है निरस्त करा जाए और उसको सरकारी गमन करने पर, जो खाद्य सुरक्षा गमन की है उसने, उसको सजा मिले और गिरफ्तार करके जेल जाया जाए।